हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज का जो विषय है वो है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु मंत्र कैसे प्राप्त करें, गुरु मंत्र से क्या होता है क्या नहीं होता है, गुरु मंत्र कैसे कार्य करता है, क्या गुरु मंत्र जरूरी है, गुरु मंत्र से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। कई लोग जो साधनाएं करते हैं वो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास गुरु मंत्र नहीं है, हम फिर भी कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने साधनाएं करनी है जी, हमने भक्ति भक्ताई मार्ग में आगे जाना है, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस करना है, तो हम किस तरह से गुरु धारण करें, गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा। अक्सर बहुत से सवाल जो है लोगों के जहन में रहते हैं। देखिए लोग कई बार ये भी कहते हैं कि आज के वक्त में जो कहाँ जी गुरु नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। यदि गुरु नहीं मिलते तो आज के वक्त में जो लोग चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, गद्दी है जिनके पास, तो वो लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके भी तो कोई गुरु है। गुरु मिलना मुश्किल है ये हम मानते हैं, एक सही गुरु का चुनाव करना मुश्किल है क्योंकि आज के वक्त में ढोंग पाखंड बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। हम सही में समझ नहीं पाते कौन सही है और कौन गलत है। अक्सर जो है लोग अपनी दुकान चला रहे हो, अध्यात्म को भी अपना एक कमाई का अड्डा बना दिया लोगों ने, तो इसी कारण से बहुत परेशान है दुनिया लोग कि जो गुरु धारण करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है, गुरु बनाने पे धोखा हो जाता है, वो गलत इंसान को चुन लेते हैं अपनी जिंदगी में गुरु, और वो गुरु उनको आध्यात्मिक संसारिक शारीरिक तरक्की के बजाय उनका सर्वनाश कर देते हैं। तो ऐसे ढोंगियों से बचे। गुरु आपने कैसे धारण करना है, क्या करना है, आपको ये चीज पहले देखनी है। सबसे पहले तो मैं चीज कहूंगा, यदि आपके गुरु नहीं है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है कि शिव को गुरु कैसे बनाएं। सबसे पहले अब जो जगत के गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं जगत गुरु, वो हैं शिव शंकर महादेव। आप शिव शंकर महादेव की सेवा कीजिए, उससे आपको सही गुरु का चयन हो जाएगा, आप सही गुरु का चयन कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुने और पूरा सुने, आपके जीवन बदल सकता है। या आप जिन्हें गुरु गद्दी प्राप्त है, जिन्हें गुरु शब्द प्राप्त है, गुरु के नाम से जिन्हें जाना जाता है, गुरु गोरक्षनाथ जी, उन्हें आप अपना गुरु बना सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि जी शिव को गुरु बनाएंगे, गुरु गोरखनाथ को गुरु बनाएंगे, माता काली को गुरु बनाएंगे, तो फिर हमें अनुभव कैसे होंगे, कुछ चीजें जो बतानी है वो कैसे बताई जाएंगी। देखिए ये रहस्य होता है, शिव आज भी है, गुरु गोरखनाथ आज भी है, माँ काली आज भी है, सिर्फ और सिर्फ केवल हमें महसूस करना है। यदि हम महसूस कर पाते हैं तो सब कुछ है, ये चीज है, इसको आप जो है महसूस कीजिए। आती है बात कि जीवित गुरु हमें चाहिए जी, तो आप एक अच्छे इंसान को देखिए, उनकी शरण में रहिए, सेवा कीजिए। यदि आपको लगे कि ये मेरे गुरु बनने के लायक है, देखिए जिस तरह से गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है काफी वक्त तक कि ये शिष्य बनने के लायक है कि नहीं, उसी तरह से आपको भी ये देखना है कि ये मेरे गुरु बनने के लायक है या नहीं,
इनके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। ऐसा ना हो आप किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाएं और लेने के देने पड़ जाएं। आप सही गुरु का चयन कीजिए जब आपको लगे कि हाँ यही मेरा गुरु है, ये मुझे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पे आगे ले जा सकता है। क्योंकि देखिए, यदि आपको गुरु मिल गया, गुरु तो आवश्यक है बनाना जीवन, गुरु के बिना गति नहीं है। और यदि आपको गुरु सही गुरु मिल गया तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख वो प्रदान कर सकता है और मोक्ष भी आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु शिष्य परंपरा स्वयं ईश्वर ने चलाई है, तभी आप ईश्वर को जान सकते हैं। गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, सभी के गुरु होते थे, गुरु मंत्र होता था, हर कार्य बहुत सुलभ तरीके से होता था, सभी के अंदर एक जिसको हम कह सकते एक संस्कार होते थे हर चीज। आजकल गुरुकुल नहीं है, संस्कार नहीं है, दुनिया जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि हम दुखों में कष्टों में पड़ रहे हैं, सत्यता को हम नहीं जान पा रहे, हम ईश्वरीय तत्व को नहीं जान पा रहे, जीवन की सच्चाई को नहीं जान पा रहे। केवल यही है कि आओ खाओ पियो जाओ, ये जीवन नहीं है। यदि आपको गुरु मिल जाए, एक सही गुरु आपको मिल जाए, तो आपकी जैसे ही आपको गुरु मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र मिलते ही आपकी सारी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाता है, आप फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं, आपके दैहिक दैविक सारे दोष कट जाते हैं। गुरु मंत्र आपकी आत्मा से सीधा कनेक्ट होता है। जैसे ही गुरु मंत्र गुरु के मुख से आपके कान में जाएगा, वो सीधा आत्मा से कनेक्ट हो जाता है और शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। गुरु मंत्र हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है जैसे बंदूक की गोली होती है। आपके पास गन तो है, बंदूक है आपके पास, लाखों की करोड़ों की है, लेकिन आपके पास गोली नहीं है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। अगर गोली है तो आप कितने दूर भी जो है उसको चला सकते हैं। ये गुरु मंत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु मंत्र अवश्य लीजिए, गुरु का सानिध्य अवश्य लीजिए। वो जरूरी नहीं है कि आप गुरु से पर्सनली मिले, ये जरूरी नहीं है कि गुरु आपके कान में ही गुरु मंत्र दे। अगर आप गुरु से कनेक्ट है, कहीं भी कनेक्ट है, आपके गुरु आपसे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, केवल आपकी फोन पे भी यदि बात होती है, मैसेज के द्वारा बात होती है, तो भी आपके ऊपर कृपा होती है। ये मत सोचिए कि गुरु वही होना चाहिए जो सुबह शाम आपके पास आए, नहीं। यदि आपने किसी को धारण कर दिया, गुरु धारण कर दिया, उसने गुरु मंत्र दे दिया, तो आपका वो गुरु बन गया, आपकी कंठी जूठी हो गई। फिर आपको वही गुरु रखने हैं, आपको जीवन में सब कुछ वही देंगे, सब कुछ वही देंगे। श्रद्धा रखिए उनके ऊपर, आस्था रखिए उनके ऊपर, क्योंकि भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी ही गुरु है। आज तक जो भी पहुंची है, जिन्होंने भी प्रभु को पाया है, गुरु के बिना किसी ने नहीं पाया है, गुरु के ही द्वारा पाया है। यदि शबरी को श्री राम जी मिले हैं, उनके दर्शन हुए हैं, तो वो गुरु के ही कारण हुए हैं, विश्वास था उनका, उनके गुरु ने कहा था कि श्री राम आएंगे। इस चीज को समझिए, गुरु मंत्र में वो ताकत होती है कि ब्रह्मांड की कोई भी बड़े से बड़ी शक्ति आपके सामने खड़ी कर देता है गुरु मंत्र, इतनी पावर होती है गुरु मंत्र में। हाँ, ये जरूरी है कि वो गुरु मंत्र आपको जिसने दिया हो वो खुद सिद्ध गुरु हो, वो मंत्र उन्हें उनके गुरु से प्राप्त हुआ हो, उन्होंने उसको सिद्ध किया हो। देखिए मंत्र किस तरह से होता है, एक पत्थर पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है जमीन पे रास्ते में, वो पत्थर है, यदि उसको हम पूजना शुरू कर दे, उसके अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा शुरू कर दे, उसके अंदर जान आ जाती है, वो हमारी श्रद्धा से आती है। कहते हैं ना, पूजने से पत्थर भी भगवान बन जाता है, वैसे ही गुरु मंत्र है। आप कहेंगे यार ये तो मैंने, ये साधारण शब्द है, ये तो मैंने कहीं भी सुना है,
ये तो मैंने इंटरनेट पे देखा है, ये तो बुक में देखा है। बुक में हर चीज है, बुक तो पहले से भी बनी है। आपने प्यासा कौवा बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन जब गुरु ने आपको बताया कि प्यासा कौवा है, ऐसा है ऐसा है, तो आपको गुरु ने बता दिया तो आपने उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ जी कौवा प्यासा था, उसने पानी पिया, फिर बाद में ऐसा सा हुआ। महिमा किसकी है? गुरु की है। वो प्यासा कौवा तो कई सालों से पढ़ रहे हैं आप, लेकिन महिमा गुरु की है। वही प्यासा कौवा फिर एग्जाम में आ जाता है और फिर आप उसके ऊपर लिखते हैं, फिर आपको नंबर मिलते हैं और आप पास भी हो जाते हैं। यही बात है, गुरु मंत्र में वो पावर होती है। पावर कहां से आती है? से गुरु से आती है, गुरु के शब्दों से आती है। गुरु मंत्र आत्मा की शुद्धि कर देता है। जैसे मैंने कहा, जब गुरु मंत्र आप निरंतर जाप करेंगे तो गुरु मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि स्वयं शिव शंकर महादेव को भी खड़े आपके सामने कर देंगे, बड़ी से बड़ी शक्ति को आपके सामने खड़े कर देंगे। जब आप गुरु मंत्र धारण करते हैं तो आपको एक अनुभूति होगी अपने चारों ओर की, कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ है, मुझे देख रही है, सुन रही है। जब आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपका ध्यान एकदम लगना शुरू हो जाए, अनुभूति आपको अलग सी होगी। पहले आप पूजा करते, कई लोग कहते हैं कि जी हम तो जी 5-6 सालों से पूजा कर रहे हैं, 10 सालों से पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, वो पाठ कर रहे हैं, ये स्तोत्र कर रहे हैं, ये मंत्र कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इतना घी जलाते जी हम तो, 4-4 धूप बत्ती लगाते हैं, घी के बड़े बड़े दिए लगाते हैं जी हम तो, हमारे तो 1 किलो 15 दिन में खत्म हो जाता जी घी का, लेकिन जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। तो यही कारण है, बंदूक है आप, बस उसको आप दिखा रहे, चला रहे, लाइसेंस है, सब कुछ है, लोगों को दिखा भी रहे कि भाई हमारे पास जो है गन है, ये हमने 5 लाख के लिए है, लेकिन गोली नहीं है, क्या करें। तो वैसे ही है ये गन है आपका, 5 लाख की गन है, आपने लाखों रुपए का जो है धूप दीप जो है लगा दिया, मंदिर बना दिया, सब कुछ बना दिया, पूजा पाठ शुरू करनी कर दी, लेकिन आपके पास गोली तो नहीं है। जब गोली आपको मिलेगी, गुरु मंत्र आपको मिलेगा, तो देवता भी खड़ा हो जाएगा सामने, बड़े से बड़ा देवता आपके सामने खड़ा हो जाएगा। कई लोग आज के वक्त में ऐसा कर रहे हैं, गुरु नहीं है तो वो उल्टी पुटी साधनाएं शुरू कर देते हैं, भूत बेताल की साधनाएं शुरू कर देते हैं, पिशाचिनी की साधनाएं शुरू कर देते हैं, अप्सरा की, ऐसी कुछ साधनाएं, उल्टी पुट्टी साधनाएं शुरू कर देते हैं। देखिए, ये आपको सांसारिक सुख तो दे सकती है, ये कुछ वक्त का आपको सुख दे सकती है, कुछ समय का सुख दे सकती है, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, हद से हद मान के चलो 50 साल, लेकिन आपको ये मोक्ष नहीं दे सकती। जब आप इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे शरीर त्याग के, तो आप जीवन भर पछताएंगे, आप 84 लाख योनियों तक पछताएंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकती है, वो आपको प्रभु का दर्शन नहीं करा सकती है, प्रभु की अनुभूति नहीं दिला सकती है, वो खुद एक अदम्य है, वो आपको कहां पहुंचाएंगे। हालांकि ये सीधियां जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको मोक्ष नहीं दिला सकती, गुरु मंत्र आपको मोक्ष देता है, इस चीज को आप समझिए, ये रहस्य है। एक गुरु मंत्र आपको जीवन में जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे। देखिए, आप गुरु मंत्र जब आपने धारण कर लिया तो ये तो छोटी मोटी शक्तियां हैं, इनसे इनको तो आप ऐसे ही, मैं तो कहूँ आपको, जब आपको गुरु मंत्र मिल जाता है तो आप कोई भी शक्ति 11 दिन 21 दिन की साधना में सिद्ध कर सकते हैं, बड़े से बड़ी शक्ति सिद्ध क्या कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, दर्शन भी दुर्लभ है, इतनी बड़ी बात है। यदि आपने गुरु मंत्र ले लिया तो आपको सब कुछ हो सकता है। देखिए, कहा भी गया है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, गुरु की मूर्ति जो है वो ध्यान लगाने के योग्य है। पूजा मूलम गुरुर पदम, गुरु के जो चरण है वो पूजा के योग्य है, उनकी पूजा करनी चाहिए हमें। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु ने जो वाक्य कह दिया वो मंत्र है, वो मंत्र बन गया। यदि गुरु ने कह दिया, देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात सुनी होगी,
कि गुरु यदि आपको ये भी कह दे मरा मरा बोल दे आपको मरा मरा ठीक है, तो वो भी जो है गुरु मंत्र बन जाता है। गुरु ने बोल दिया ये गाली बोल दे, ये बात बोल दे, ये बोलता रहे, तो वो भी आपका गुरु मंत्र बन जाता है, ठीक है ना। गुरु के मुख से जो निकला हुआ वाक्य है वो गुरु मंत्र है, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो गई तो आपको मोक्ष मिल गया। मोक्ष और क्या चाहिए क्या जीवन में, मोक्ष मिल गया। ये चीज है, गुरु मंत्र जैसे ही आपको मिल जाता है आपके जीवन की सारी नकारात्मकता हट जाती है। शक्तिपात आपके ऊपर होने लगता है गुरु मंत्र से, अथा शक्ति के आप मालिक बन जाते हैं, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है धीरे धीरे जागृत हो जाती है, और आपके जो सात चक्र है वो सारे जागृत हो जाते हैं, कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करनी है जी, अरे कुंडलिनी जागृत करने का एक ही रास्ता, बाकी कोई रास्ता नहीं, गुरु मंत्र आपके पास है, उससे गुरु मंत्र से सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, सात चक्र हमारे जागृत होते हैं और दृष्टि खुलती है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। आपको भविष्य में आने वाली बातों का स्वयं ही पता चल जाएगा, बस ध्यान आपका जितना पक्का होगा, ध्यान आपको लगाना पड़ेगा, गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। जब आपको गुरु मंत्र मिल गया तो आप दुनिया को भूल जाइए, दुनिया की सारी बातें भूल जाइए, सारे मंत्र भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, केवल और केवल गुरु मंत्र में ध्यान दीजिए, केवल गुरु मंत्र को जपिए, केवल गुरु मंत्र को जपिए, आपको जीवन में सब कुछ वही दिला देगा, सब कुछ दिला देगा, आपकी दृष्टि खुल जाएगी। गुरु मंत्र जो है देवी देवताओं को आकर्षित करता है, आपकी ओर आकर्षित कर देता है, शक्तियों को आकर्षित कर देता है। गुरु मंत्र में विस्फोटक पावर होती है, कोई भी सिद्धि आप करना चाहते हैं आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा 11 दिन या 21 दिन में आपको बड़े से बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। वैसे तो आप घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, गुरु मंत्र यदि है तो आपको 11 दिन 21 दिन में सिद्धि आपको मिल जाएगी, आपके जितने भी पाप है सारे नष्ट हो जाएंगे, आधे से ज्यादा जो है हमारे कष्ट तो गुरु के ऊपर चले जाते हैं, जैसे गुरु मंत्र में मिल जाता है आधे से आधे कष्ट तो गुरु के ऊपर ही चले जाते हैं, गुरु अपने पास ले लेते हैं आपके कष्टों को, तब गुरु की शरणागति जब लेंगे आप तो आपके जीवन में स्वतः ही जो है कल्याण आपका होना शुरू हो जाता है, साधना में आपको जो है सफलता बहुत तेजी से मिलती है, वो चाहे आपके गुरु प्रत्यक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से, यदि गुरु मंत्र आपको मिल गया है तो दैट्स क्लियर, आप सोचना बंद कीजिए सब। और गुरु किसी भी वर्ण का हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण का आपका गुरु हो सकता है। मैंने यहां जाति शब्द यूज नहीं किया क्योंकि जाति शब्द कहीं वेदों पुराणों में है ही नहीं, ये तब आया है जब आर्य यहां पे आए, उन्होंने ये षड्यंत्र रच के जातियां बनाई, और जातिवाद पे मेरा स्पष्ट एक लेख है कि जातिवाद कोई भी चीज नहीं होती, इंसान अपने कर्म के आधार पे होता है, यदि वह अच्छे कार्य करेगा, वेद पाठ करेगा, वेद का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, दान पुण्य करेगा, दान पुण्य लेगा तो वो ब्राह्मण है, यदि व्यक्ति दूसरों की रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय है, ठीक है, जो अपना कारोबार करता है ठीक है, मेहनत करता है वैश्य होगा, जो सेवा करेगा वो शूद्र होगा, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति, कोई शूद्र व्यक्ति भी आजकल जातियां चली है, मैं कहूंगा नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि जो देखिए मैंने कहा कि कर्म के आधार पे जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा है,
यदि कोई वेदों का पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण बन गया भैया। जाति से केवल ब्राह्मण होना नहीं होता है, जाति से केवल क्षत्रिय होना नहीं होता है, जाति से केवल वैश्य होना नहीं होता है, जाति से केवल जो शूद्र होना नहीं होता। कर्मों के आधार पर ये बना है, कर्मों के आधार पर बना है, बाकी तो ये बनी बनाई बातें हैं। वेदों शास्त्रों के अनुसार ये चीजें हैं, बाकी तो दुनिया ने बनाई है। आपका गुरु किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी जाति गणाति का हो सकता है, जो समाज में बनेंगे ये जाति। केवल सच्चा वो आपका हितैषी होना चाहिए और ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपको गुरु मंत्र मिल गया तो आपको शक्ति को महसूस कर सकते हैं, बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं। गुरु मंत्र से आप साक्षात देवता के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। अब देखिए आप गुरु मंत्र की कितनी महिमा है। तो आप एक सही गुरु का चयन कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अपने जीवन को धन्य बनाइए, कल्याणकारी बनाइए, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सुख पाइए। एक जीवन एक बार मिला है, अच्छे से जिए और प्रभु की शरण से आए हैं, प्रभु की शरण में जाए, जब वहां जाए तो वहां भी, जैसे ही आप वहां पहुंचे तो वहां पहले ही तैयारी हो जाए, ठीक है। इस जीवन में चलो, वहां की तो अलग बात है कि जब व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से तब किसने देखा है क्या होता है, सच्ची सी बात करनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में रहकर यदि हम इंसान नहीं बने तो क्या फायदा? अगर इस आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ा तो क्या फायदा? ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप जानते हैं क्या करना है। एक लाइक का बटन होता है, एक शेयर का बटन होता है और एक सब्सक्राइब का बटन होता है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरा हिंदुस्तान बहुत साक्षर है, इतना साक्षर है कि मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत इसको शेयर करेंगे। तो ये चीजें हैं, आप कीजिए और जीवन में आप आगे बढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।